शुरुआत से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं, दी ललन टॉप शो अब देखिए यूट्यूब से भी पहले, हर रात 8 बजे मिलिए हमसे ललन टॉप ऐप पर। अब चलते हैं आज के एपिसोड पर। साल 1929 जुलाई का महीना, अमेरिका के राज्य टेक्सस के एक शहर एल पासो में कुश्ती का आयोजन हो रहा था। आमने सामने थे एशिया से अमेरिका आए दो पहलवान, मंजीरो मुत्सुदा जिसका रिंग नेम मैटी था, जापान से अमेरिका आया था वो जूडो और जुजित्सु स्टाइल में माहिर था। उसका सिग्नेचर मूव था सामने वाले को हवा में उछालकर चित कर देना। अपने इस मूव से वो लगातार 124 मैच जीत चुका था। इसके सामने था भारत से आया बसंता सिंह। बसंता कुश्ती के अलावा बाकी समय में फूलों के बाग में मजदूरी किया करता था। घंटी के साथ मैच की शुरुआत हुई। मैटी ने पारंपरिक जुजित्सु स्टाइल की नुमाइश करते हुए बसंता को दबोचने की कोशिश की, लेकिन बिजली से फुर्ती दिखाते हुए बसंता ने मैटी को पटक दिया। अगले कुछ मिनटों के बीच दोनों में जोड़ तोड़ चलती रही। कभी मैटी बसंता को अपनी कोहनी में फंसा लेता तो कभी बसंता उसकी टांग पकड़ लेता। आखिर में मैटी ने बसंता को अपनी टांगों के बीच में फंसा लिया। दोनों जमीन पर थे, लग रहा था कि मैच बसंता के हाथ से गया, लेकिन देखते ही देखते बसंता ने मैटी को बियर हग यानी भालू की तरह सामने से जकड़ लिया। मैटी की सांस उखड़ने लगी। तभी बसंता ने मैटी को हवा में उछालते हुए उसी के स्टाइल में पटखनी दे दी। मैच वहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इस मैच में मैटी मुत्सुदा को इस कदर चोट लगी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां 3 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने बसंता को रातों रात फेमस कर दिया। रेसलिंग तब सिर्फ खेल न होकर जुआ खेलने का शगल भी हुआ करता था, जिसका जितना नाम उसके मैच में उतनी भीड़ और उतना ही पैसा। इसीलिए प्रमोटर खेल से ज़्यादा पहलवानों को प्रमोट करते थे। जब बसंता के साथ मैच में मुत्सुदा की बुरी हालत हो गई तो प्रमोटर ने बसंता के नाम से अफवाह फैला दी कि वो पूरब से आया हुआ एक रहस्यमयी हिंदू पहलवान है। अखबार में लिखा जाने लगा कि बसंता का शरीर ऐसा है मानो किसी ने आसमान से गिरती बिजली में ग्रीस लगा दी हो। हालांकि बसंता ऐसा पहला पहलवान नहीं था जिसके नाम पर ऐसी अफवाहें उड़ी हों। इससे कुछ साल पहले एक भारतीय पहलवान अमेरिका आया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नाश्ते में सोना खाता है। इस पहलवान का नाम था गोबर गुहो। गोबर गुहो और बसंता सिंह, इन दोनों ने कैसे अमेरिका में भारतीय कुश्ती की धूम मचाई, आज इसी के बारे में जानेंगे। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। शुरुआत से पहले एक सूचना और दे देते हैं। भारतीय इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको एक किताब के बारे में जानना चाहिए, इंडिया अनकवर्ड। इस नाम की ऑडियो बुक बोलती किताब आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट पा सकते हैं, बशर्ते आप एक कोड डालें और वो कोड है LT50। अब चलते हैं आज की मेन स्टोरी पर। बसंता सिंह का जन्म 1890 में हुआ था। 20 साल की उम्र में उन्होंने गुरदासपुर छोड़ दिया और कनाडा चले गए। वैंकूवर में कुश्ती होती थी और प्रमोटर पहलवानों की स्टाइल प्रमोट किया करते थे, मसलन बॉक्सिंग स्टाइल, जूडो स्टाइल वगैरह। ऐसे ही एक स्टाइल थी पूर्वी यानी हिंदुस्तानी। बसंता ने यहाँ कुश्ती शुरू की और कुछ ही महीनों बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए। ओरेगन राज्य में तब लकड़ी का काम हुआ करता था, जिसमें भारतीय, चीनी, पोलिश आदि लोग मजदूरी करते थे। यहाँ शौकिया तौर पर कुश्ती खेली जाती थी और बसंता भी उसमें हिस्सा लेते रहते। फिर साल 1913 में ओरेगन में गदर आंदोलन की पहली मीटिंग हुई और ओरेगन से कई भारतीय गदर में हिस्सा लेने के लिए भारत चले गए। बसंता ने भी ओरेगन छोड़ दिया और कैलिफोर्निया चले गए। कुछ साल तक वो मेलों में हिंदू फकीर के तौर पर प्रदर्शनी दिखाने लगे। 1920 के आसपास बसंता ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की और जैसे ही उनका थोड़ा नाम हुआ, ठीक उसी समय एक और भारतीय रेसलर अमेरिका आया और अमेरिकी रेसलिंग सीन में तूफान की तरह छा गया। इनका नाम था जतेंद्र चरण गुह। जतेंद्र चंद्र गुहो की पैदाइश 1882 में हुई थी कलकत्ता में। उनके पिता दादा बड़े पहलवान थे, मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा था मामला, और बंगाल में कुश्ती को आगे बढ़ाने में उनके परिवार का बड़ा अहम रोल भी था। स्वामी विवेकानंद अपने लड़कपन के दिनों में उन्हीं के अखाड़े में कुश्ती भी लड़ने आते थे और उनके चाचा खेत्र करण ने ही विवेकानंद को कुश्ती सिखाई थी। जतेंद्र चंद्र गुहो को प्यार से घर में गोबर गुहो बुलाया जाता था। कारण ये भी था कि भीमकाय होने के बावजूद उनका दिल कुश्ती में नहीं लगता था, उन्हें शास्त्रीय संगीत में रुचि थी। 1901 में उनके पिता की मौत हुई तो जतेंद्र चरण गुहो को परिवार का नाम रखने के लिए कुश्ती में उतरना ही पड़ा। अखाड़े में सब उन्हें गोबर गुहो कहकर बुलाते। साल 1910 में उन्हें कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाने का मौका मिला और अगले 3 सालों में उन्होंने यूरोप में कई मुकाबले लड़े। कुश्ती का असली खेल अमेरिका में था, जहां दुनिया के सबसे बड़े रेसलर कुश्ती लड़ रहे थे, इसलिए गोबर गुहो ने अमेरिका जाने का निर्णय किया।
1920 के आसपास की बात होगी। अमेरिका में तब एशियाई लोगों के आने पर सख्ती लगा दी गई थी। गोबर गोहो $5 लेकर अमेरिका पहुंचे, एयरपोर्ट पर उतरे तो अधिकारियों ने सवाल पूछ पूछ कर नाक में कर दिया दम। पूछा क्यों आए हो, कहां जाओगे, क्या करोगे वगैरह वगैरह। इन सवालों का जवाब नाकाफी था। गोहो को पता चला कि एक्टर्स के आने पर छूट मिल जाती है, इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि मैं एक्टर हूं और एक्टिंग के काम के लिए अमेरिका में आया हूं, और एंट्री मिल गई। अगले 5-6 सालों तक उन्होंने अमेरिका में कुश्ती लड़ी। अडोल्फ अर्नेस्ट नाम के एक रेसलर हुआ करते थे जिनका रिंग नेम एड सेंटल था। सेंटल तब अमेरिका के सबसे बड़े रेसलर माने जाते थे और कई सालों से वर्ल्ड लाइट हैवीवेट चैंपियन थे। माना जाता था कि सेंटल को कैच रेसलिंग में कोई नहीं हरा सकता। फिर 1921 में आज एक दिन यानी 30 अगस्त को एक मैच हुआ। सैन फ्रांसिस्को के कोलेजियम अखाड़े में हजारों की भीड़ के सामने गोबर गुहो ने सेंटल को पटकनी दे दी और वर्ल्ड लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए। ऐसा करने वाले वो पहले एशियाई थे। इस जीत से गुहो के चर्चे हर तरफ फैल गए। कैंसस के एक अखबार ने लिखा, इन्वेजन ऑफ हिंदू मेनस ब्रीड्स फियर अमंग मैटमैन, यानी हिंदू पहलवान ने बाकी पहलवानों में दहशत फैला दी है। खबरें उड़ने लगी कि गोबर घंटों तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। तब लेजेंडरी अमेरिकी कार्टूनिस्ट रॉबर्ट रिपली का अखबार में एक कॉलम छपा करता था, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। रिपली ने गोबर गुहो का एक कार्टून बनाया जिसका शीर्षक था द गोल्ड ईटर, यानी सोना खाने वाला। कार्टून में गोबर गुहो को सोने की पत्तियां खाते हुए दिखाया गया, साथ ही गुहो को वर्जिश करते हुए भी दिखाया गया जिसमें गुहो एक पत्थर का चक्का लेकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अखबार में लिखा जा रहा था कि वो सोने और चांदी का पाउडर शहद में मिलाकर खाते थे। बहरहाल इस मुकाबले के कुछ महीनों बाद एक और मुकाबला रखा गया। अब की बार गोबर का मुकाबला एड लुइस नाम के एक अमेरिकी रेसलर से हुआ जिसका निकनेम स्ट्रैंगलर था। स्ट्रैंगलर यानी गला दबा देने वाला। इस मुकाबले में गोबर की हार हुई, लेकिन कई घंटों चले इस मुकाबले में एड लुइस ने चीटिंग की थी, ऐसा भी कई जगह पर कहा गया। इस मुकाबले के बाद भी गोबर ने कई लड़ाइयां लड़ी। अमेरिका में उन्होंने एक रहस्यमय हिंदू पहलवान की तरह अपनी छवि बना ली थी, उन्हें देखा जाता था ऐसे। वो भारतीय पोशाक पहनते, उनकी वेशभूषा को देखकर उनके नाम पर और कई बातें भी चलने लगती। अखबारों में लिखा जाता कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कोई लिखता था कि वो भारत के राजकुमार हैं, तो कोई कहता था कि वो गांधी के विचारों पर भाषण दे सकते हैं। बहरहाल 1927 तक अमेरिका में कुश्ती लड़ने के बाद गोबर गुहो भारत आए और अपने पारिवारिक अखाड़े को संभालने लगे। उनके बरक्स बसंता सिंह ने अमेरिका में ही रहना चुना। 1940 तक कुश्ती लड़ने के बाद बसंता ने कुश्ती छोड़ दी और हॉलीवुड फिल्मों में काम करने लगे। उन्होंने राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द 10 कमांडमेंट्स और द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और 1965 में उनकी मृत्यु हुई। जहाँ तक गोबर गुहो की बात है, वो 1944 तक कुश्ती में एक्टिव रहे और उसके बाद कुश्ती की ट्रेनिंग देने लगे। अपने समय में उन्होंने लगभग 5,000 लोगों को कुश्ती सिखाई और साल 1972 में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज का तारीख कहीं पर समाप्त होता है, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। आप देखते रहिए दिल ललन टॉक।